चलो, हमारा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। कौन सा चैप्टर है? मैनेजमेंट, और इसका पूरा नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? पहले सुन लो, हर चीज के एक पापा होते हैं, राइट? तो मैनेजमेंट के पापा का नाम है सर हेनरी फ्यूल। क्या नाम है? ठीक है सर, नहीं यार, हेनरी फ्यूल। क्या नाम है? ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, FAYOL, हेनरी फ्यूल। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो इसका नाम था FW टेलर। क्या नाम था? ये सब चीज ध्यान रखो, FW टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं हेनरी फ्यूल। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। जितना बड़ा ना क्लास में लर्न होना चाहिए ताकि घर में लर्न ना करना पड़े, समझा? कॉमर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि क्लास में जो सर पढ़ा रहे दिमाग में डाल लो। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे, राइट? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बोलो तो, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? देखो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दिखा? अब मैनेजमेंट समझ में आया क्या? मैनेज करना है, किसको करना है? मैन को मैनेज करना है, मैन को। मैन मतलब होता है बेटा कंपनी के एम्प्लॉइज। क्या? तो एक कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करना, टी टी मतलब होता है बेटा टैक्टफुल्ली। क्या? टैक्टफुल्ली मतलब क्लेवरली। तो ये वर्ड से बना है मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर एम्प्लॉइज टैक्टफुल्ली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तुम ध्यान रखो कंपनी का सक्सेस उसके एम्प्लॉइज पर डिपेंड होता है कि नहीं होता है। अगर एम्प्लॉइज खुश नहीं है, अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे विल नॉट गिव देयर 100%, एंड इफ दे विल नॉट गिव देयर 100% तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो कंपनी का सेल क्या हो जाएगा? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर एम्प्लॉइज। हमारा क्लास 12 का 50% एम्प्लॉइज के बारे में ही है। किसके बारे में है? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर एम्प्लॉइज। एक और सुनो, मैनेजमेंट एक कला है बेटा। क्या है कला? को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्या बोला? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। ये कला है जिसमें कंपनी दूसरों से काम करवाता है, खुद काम काम करने के लिए देगा, करवाएगा, मगर खुद करेगा नहीं। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अदर्स कौन है? वेरी गुड, अब समझ में आया। तो अभी तक मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, उसके बाद मैनेजमेंट को ब्रेक किया तो मैनेजमेंट और टी आया। मैनेज मतलब मैनेज करना, मेन मतलब कौन, टी मतलब टैक्टफुली मतलब क्लेवरली, टू मैनेज योर एम्प्लॉइज क्लेवरली, इसमें वो भी दुखी ना और हमारा भी नुकसान नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा मैंने बोला सर मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। अदर्स कौन है? कंपनी के एम्प्लॉइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हुआ मैनेजमेंट का छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स। उनके साथ चलना है, उनके साथ काम करना है, टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे एक वर्ड क्या आया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? बोलो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट, और बस खाली प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर, अच्छा, और कस्टमर रिलेशनशिप, और ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जितना बोलोगे उतना, मार्केट स्टैंडिंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था क्लास 11 में। और सुन लो ध्यान से, इतना 10 गो ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, खाली 3 गो ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव? जीपीएस का नाम सुना है? जीपीएस फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? वो जीपीएस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जीपीएस ही है। क्या है? जी मतलब ग्रोथ। कौन बोला था ग्रोथ? ग्रोथ बोला था कोई? ग्रोथ। प्रॉफिट कोई बोला था? प्रॉफिट। और एस मतलब सर्वाइवल। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? ग्रोथ, प्रॉफिट, और ये कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव का बात नहीं हो रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है। तुम लोग सोशल वेलफेयर बोल रहा है, तुम लोग वो बोल रहे हैं, नहीं मेरे को चाहिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मिला, मैंने क्या बोला बेटा, जीपीएस, जीपीएस। व्हाट इज सर्वाइवल? सर्वाइवल मतलब सर मैं जितना कमा रहा हूं खर्चा उससे कम लगे। मैं अगर ये डायरी 100 में खरीद रहा हूं तो कम से कम 120 40 में बेचूं तभी ना सर्वाइव कर पाऊंगा, ना 100 में खरीद के 40 में दान कर दूं। तो सर्वाइवल मतलब रेवेन्यू इतना ज्यादा होना चाहिए कि कॉस्ट से ना ज्यादा हो, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट कम होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट मतलब क्या होता है बेटा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रोथ होगा? तो प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अगर मैं सेंटर से कमाऊंगा नहीं बेटा तो दूसरा सेंटर का सोचूंगा कैसे, वहां से नहीं कमाऊंगा तो तीसरा सेंटर का सोचूंगा कैसे? यस और नो? तो ग्रोथ कैसे होगा बेटा, विथ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो ग्रोथ। एंड लास्ट बेटा ग्रोथ समझ में आया? ग्रोथ मतलब तुम अपॉर्चुनिटीज को यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटीज को यूज कर रहा है, और इससे तुम्हारा सेल्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंप्लॉइज क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्ट्स क्या होगा, बढ़ेगा। एक दुकान में केवल एक स्टाफ है और एक दुकान में तुम देख रहे हो 100 स्टाफ काम कर रहा है, कौन सा बड़ा दुकान है? तो ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो जिसका सेल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ भी ज्यादा होगा उसका। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या हुआ? ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और सर्वाइवल। बट हाँ आप इसको लाइन से लिखोगे, एसपीजी लिखोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, और फिर याद रखने के लिए जीपीएस याद रखना। लिखेगा सबसे पहले सर्वाइवल को, फिर प्रॉफिट को, और फिर ग्रोथ को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? तो देखो फिर मैं डेफिनेशन में चला जा रहा हूँ। ये देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव विच ऑब्जेक्टिव, बाय एफिशियंटली यूजिंग रिसोर्सेस। दो वर्ड आया नया जिंदगी में तुम्हारे, एक वर्ड आया इफेक्टिव, एक वर्ड आया एफिशिएंटली। क्या वर्ड आया? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। वापस बोल रहा हूं, दो वर्ड आया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कौन बोलेगा मेरे को इन दोनों का मतलब, बताओ? बिना बुक देखे, बुक बंद करो रे भाई, बुक बंद करो। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? बहुत कॉमन वर्ड्स है इफेक्टिव और एफिशिएंट, बोलो। एफिशिएंटली मतलब कम टाइम में काम को खत्म ओके करना, कम रिसोर्सेज यूज करना। अच्छा, और इफेक्टिव मतलब तो फुल एफर्ट्स के साथ फुल एफर्ट्स के साथ। सक्सेस सही होगा यूज हाँ, करना, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट पॉजिटिव, अच्छे से प्रॉपरली यूज करना रिसोर्सेस को, क्या है वो? इफेक्टिवली मतलब अच्छे से करवाना काम, और एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंटली करना मतलब काम प्रॉपर प्रॉपरली गलत यूज करना, रचिता। एफिशिएंटली रिजल्ट आना। अच्छा, और एफिशिएंटली तुम लोग सब गलत हो। सीधा बात सुन लो ध्यान से, सीधा बात सुन लो ध्यान से। क्या बोलो? सुनो, मैंने बोला पीयूष मेरे को एक कपड़ा बना के दे। क्या बोला मैंने? पीयूष को मैंने 10 घंटा दिया कपड़ा बनाने के लिए। कितना घंटा? पीयूष वो कपड़ा 8 घंटा में बना के दे दिया। कितना घंटा में? पीयूष इफेक्टिव है। अगर कोई लेबर समय रहते रहते काम कर दे रहा, उसको इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब टाइम से रिलेटेड। इफेक्टिवनेस मतलब कि टाइम पे काम हो जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। एफिशिएंट सुनो, पीयूष कपड़ा बना दे, अरे सर 8 घंटा में बना दिया, सारा मेरा रिसोर्स बर्बाद कर दिया, इतना रिसोर्स बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव है मगर एफिशिएंसी मतलब रिसोर्स, इफेक्टिव मतलब टाइम। पीयूष कपड़ा भी अच्छा यूज किया मेरा और समय पे काम किया, पीयूष इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। तो व्हाट इज कंसर्न्ड विद टाइम, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? व्हाट इज कंसर्न्ड विद रिसोर्सेस, एफिशिएंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक सवाल है मेरा, एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव होना सही चाहिए या एफिशिएंट होना चाहिए? एग्जैक्टली रहा, दोनों होगा, एक होने से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? दृष्टि की मम्मी ने बोला बेटा आटा लगा देना, ये आटा लगा तो रही है मगर बहुत सारा आटा वेस्ट कर दी वो, तब जाके उससे मुश्किल से एक रोटी बना। क्या चीज दिख रहा है ज्यादा केस स्टडी में, इफेक्टिव या एफिशिएंट? क्या नहीं है वो? एफिशिएंट ने रिसोर्स बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझा मेरा बात? एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद रिसोर्स एंड इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? चलो ध्यान से देखो, क्या पहले यही पढ़ाऊं ना सर? ये देखो क्या लिखा हुआ है सर, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। कॉस्ट क्या लगे, भाड़ में जाए, टाइम पे काम हो जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यस और नो? एफिशिएंसी। इट इज अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब जितना सस्ता से हो सके काम।
गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, जितना कम रिसोर्स लगा के जितना ज्यादा मिल पाए उसको एफिशिएंट बोलेंगे। तो अगर रिसोर्स बहुत कम यूज करके ज्यादा बना दे रहा है तुम एफिशिएंट तो है, यस और नो? टाइम अगर कम ले रहा है तुम इफेक्टिव भी है। डिफरेंस इज क्लियर अमंग बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, याद रहेगा? चलो देखो क्या लिखा हुआ है, टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, पहला कॉलम है मेरा इफेक्टिवनेस का, किसका? दूसरा किसका बेटा? देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, बट इसका इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब चीज बस सही करना सही काम पे, मगर इसका मतलब क्या है, डूइंग थिंग्स करेक्टली इन अ कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, जहां पे खर्चा बचेगा वो क्या है, एफिशिएंट है, और जहां पे तुम टाइम पे कर लो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, वो तो इसका मेन फोकस किस पे है बेटा, इसका मेन फोकस किस पे है? वही सेम चीज लिख दिया बार में दो बार, कोई दिक्कत? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर अभी तक क्या पढ़ेगा, रिविजन हो जाए जल्दी से। सबसे पहले मैनेजमेंट से हम लोग पढ़े मैनेजमेंट वर्ड, मैनेजमेंट टैक्टफुली मींस मैनेजिंग योर इम्प्लॉइज, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यस और नो? टू अचीव विच ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर थ्री काइंड्स, नंबर वन, नंबर टू, थर्ड ग्रोथ, उसके बाद मैंने बताया फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन, मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर। उसके बाद मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, डैश इज रिलेटेड विद टाइम, डैश इज रिलेटेड विद टाइम, टाइम हाँ, एंड डैश रिलेटेड विद एफिशिएंसी, कॉस्ट इज रिलेटेड विद एफिशिएंसी, कुछ भी तो हो सकता है ना यार। चलो अब आओ सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने, बार बार पढ़ रहे हैं। सर मैनेजमेंट के बारे में और बताइए ना, सुनो ध्यान से। हम लोग अपने लाइफ टू डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट करते हैं, क्या बोला मैंने, क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं भैया? कुछ कारण है, कुछ ऑब्जेक्ट है, तभी तो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तुम्हारा एग्जाम था, तुम खुद सोचो, 6 बजे उठ के पढ़ता था, 5 बजे उठ के पढ़ता था, 7 बजे उठ के पढ़ता था, रात को ज्यादा पढ़ता था, फोन भी सबमिट कर दिया बहुत जन ने मेरे को, क्यों? यू हैव टू स्कोर बेटर रिजल्ट, यू हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो मैनेजमेंट कोई आदमी टाइम वेस्ट के लिए नहीं ना कर रहा है, कोई पर्पज होता है ना, कोई गोल होता है। तो अगर जिसका जीवन में गोल होगा वही मैनेजमेंट करेगा, जिसका गोल नहीं है जीवन में तो मैनेजमेंट, तो बेटा मैनेजमेंट इज ऑलवेज विच प्रोसेस, इफ देर इज नो गोल देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इफ देर आर गोल्स देर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ बेटर मैनेजमेंट, समझा? चलो एक सवाल मेरा है, हाथ उठाना सिर्फ, कंपनी का सबसे बड़ा गोल क्या है? एग्जैक्टली हाँ, उसके लिए कंपनी मैनेजमेंट करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। कैसे प्रॉफिट कमाए बोलो, दो तरीका बताओ तो। एक मिनट, या तो प्राइस कम करो, कॉस्ट कम करो, या सेल बढ़ाओ, वही दो तरीका है ना। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो सेल बढ़ाओ, या कॉस्ट को क्या करो, कम करो। रचिता एंड दृष्टि, टेल मी टू वेज हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्स। एग्जैक्टली, और इनोवेशन, डोर टू डोर सेल्स, सेल्समैन, और डिस्काउंट, कूपन, लॉटरी, वाउचर, ये सब सारा सेल्स बढ़ाने का तरीका है ना। तो कंपनी सोचो गोल ओरिएंटेड है तभी ना ये सब कर रहा है। अगर कंपनी को अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाना होता एडवर्टीजमेंट क्यों करता टीवी पे? तो मैनेजमेंट के पीछे कोई कारण होता है, वो कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना हो सकता है, वो कारण कंपनी का सेल बढ़ाना हो सकता है, वो कारण कंपनी का कॉस्ट कम करना हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल गोल्स, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट क्या, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। क्या नाम है इस पॉइंट का बेटा? परवेसिव। क्या नाम है पॉइंट का? परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? हर जगह एप्लीकेबल है, बड़ा हो या छोटा फर्क पड़ता है? फर्क रिलायंस को फर्क पड़ेगा, रिलायंस का बिजनेस बहुत बड़ा है, मैनेजमेंट करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा ना, यस और नो? एक छोटा सा सैलून, एक छोटा सा पान दुकान, कितना छोटा है, करेगा कि नहीं करेगा? बेटा अगर मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उसके कस्टमर भी भाग जाएंगे, और जिसका बिजनेस बहुत बड़ा उसका भी कस्टमर भाग जाएगा। तो सुनो ध्यान से, तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, तुम चैरिटी चलाएगा तो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुम्हारा बिजनेस है प्रॉफिट कमाने वाला तो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुम्हारा बड़ा बिजनेस है तो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, छोटा बिजनेस है तो भी, मैं तो बोलता हूँ अगर बिजनेस नहीं है तो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में जरूरत है मैनेजमेंट का?
स्कूल में तुमको कैसे पता चलता है? टर्न 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 पीरियड खत्म हो जाता है तो बेल बेल बजता है कि अनाउंसमेंट होता है? तो मैनेजमेंट है तभी ना। कभी कभी ऐसा भी तो 2 मिनट लेट हो जाता है, अगर यार बेल नहीं बजा आज क्या बात है, अरे मैनेजमेंट खराब हो उस दिन। यस और नो? जो स्टाफ और बेल बजाना भूल गया होगा, ऐसा एग्जाम के दिन होता तो कितना अच्छा रहता ना यार। बट उस दिन तो लगेगा 5 मिनट जल्दी बज गया। तो मैनेजमेंट होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैनेजमेंट परवेसिव भी होता है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे हॉस्पिटल, चाहे एजुकेशन, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे बिजनेस, एवरीवेयर। उसको बोलते हैं परवेसिव। क्या बोलते हैं? परवेसिव। पहला मैंने बोला गोल ओरिएंटेड। अगर कोई गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट होगा भी नहीं। और दूसरा क्या बोला? परवेसिव। हर जगह एप्लीकेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, आईपीएल, उसका शेड्यूल पहले से आता है। क्यों आता है? पता कैसे अगले दिन किसका मैच होगा? वरना मैनेजमेंट होगा भाई, समझा मेरा बात? तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनना ध्यान से, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोला मैंने? ये तुम्हारे जीवन में नहीं एक्चुअली, बट रियलिटी में होता है। तुम्हारा जब एग्जाम आता तभी तुम्हारा मैनेजमेंट बढ़ता है ना। और यार 20 दिन बाद एग्जाम है, चल आज बुक खोल ले भाई। उसके बाद वापस 1 साल बाद वो दिन आएगा वापस, अरे यहाँ 1 महीना बाकी है ना। बट बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। उनको रोज टीवी में ऐसा है कि आज सेंट्रो गाड़ी का ऐड आया तो कल नहीं आएगा, 1 दिन 2 दिन बाद रिपीट होता है। तो वो सब चीज तो कंटिन्यूअस है यार बिजनेस वर्ल्ड में। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक दिन मैनेजमेंट नहीं करेगा उस दिन बहुत नुकसान हो जाएगा कंपनी का। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस। इंस्टाग्राम मैंने सुना था कुछ दिन पहले डाउन हो गया था सर्वर, जिसका कितना नुकसान हो गया तुमने सुना था क्या? $3 बिलियन। सोचो मैनेजमेंट खराब था, नुकसान खाया, उसमें 2-4 बिल हम लोग को भी दे तो क्या चला जाता उन लोग का। मैनेजमेंट खराब होने से लाखों करोड़ों में कितना में लंबा नुकसान हो जाता है। ये सुन लो, मैनेजमेंट यू हैव टू डू एवरी डे एवरी टाइम, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इन अदर वर्ड इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हमारे घर में मैनेजमेंट होता है, रोज मम्मी को उठ के सुबह खाना बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तुम लोग जान ले लेगा, अरे मम्मी क्या आज नाश्ता नहीं दोगे क्या? तो मैनेजमेंट इज विच प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस, समझा मेरा बात? डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में, हर जगह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 3 पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट क्या था बेटा? दूसरा बोर्ड पे मत देखो, पर वैसे तीसरा कंटिन्यूअस। अब सुनो ध्यान से, पीयूष देखो किसका फोन बज रहा है खाली मेरे फोन में, ठीक है, नाम खाली बता दो वहीं से, उठाने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इनटेंजिबल फोर्स। एक बार फोन उठा के बोल दो ना किस, इनटेंजिबल फोर्स बोल दो। 10 मिनट बाद फोन कर रहे सर। चलो, इनटेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स सुनो ध्यान से। मान लो अपनी जो रश्मि और जानवी है, ये लोग बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गई। क्या बन गई? एक सेल्स मैनेजर और एक परचेज मैनेजर। क्या तुम लोग जानवी को छू पाएगा? जानवी टेंजिबल है, रश्मि टेंजिबल है, मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो नहीं छुपाएगा। छुपाएगा ना, दे आर टेंजिबल। इनका भाव बट्टा बढ़ गया तो अलग बात है, कैसे छुआ रहे मेरे को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन जनरल छू पाएंगे, हम तो जबरदस्ती छू लेंगे, क्या बोले। इनटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल है। मैनेजर्स आर टेंजिबल, मैनेजर्स आर, बट बेटा उनका जो प्रोसेस है वो तो इनटेंजिबल है। वो जो प्रोसेस है वो क्या है? इनटेंजिबल। अपना बेंच एकदम लाइन से है, एसी है, पंखा वंखा है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस जो है वो फील होता है खाली, उसको तुम छू नहीं सकता। प्रोसेस को फील क्या सकता है? कहीं तुम पार्टी में क्या देखो, हाँ कितना अच्छा अरेंजमेंट है, वो फील क्या सकता है? देख कर, यस और अरेंजमेंट देख कर, यू कैन फील द, यू कैन टच द पर्सन, बट नॉट द प्रोसेस। इसलिए मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, जिसको तुम खाली महसूस कर सकता है मैनेजमेंट अच्छा या खराब है। अदरवाइज मैनेजमेंट इज ऑलवेज विच फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजर्स आर टेंजिबल, उनका जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा? इनटेंजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते बट जस्ट फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है या फिर बुरा है, समझा? इसलिए क्या लिखा है? इनटेंजिबल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्या लिखा है? एक अकेला आदमी मैनेजमेंट कर लेगा सब कुछ? संभव ही नहीं है। बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा बड़ा। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल लार्जर द साइज ऑफ द बिजनेस, लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस द कॉम्प्लेक्स इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड दस लार्जर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस जितना बड़ा उसका कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, yes or no? और कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका मैनेजमेंट का जरूरत भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सुनो। मेरे को पता नहीं तुम लोग का आइडिया है कि नहीं, बट स्टिल एक कंपनी में बेटा 3 लेवल होता है। चलो यहाँ बनाता हूँ। एक कंपनी में 3 लेवल होता है। एक होता है बेटा टॉप लेवल, एक होता है मिडल लेवल,
और एक होता है लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। सर कंपनी के टॉप लेवल में कौन आता है बोलो। मैनेजर, डायरेक्टर्स, शेयरहोल्डर। एक मिनट रुको, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर जो ओनर है कंपनी के, और कौन आता है? प्रमोटर तो डायरेक्टर बन गया होगा। और देखो मैं लिखता हूं, देखो तुमने क्या क्या छोड़ दिया। प्रेसिडेंट छोड़ दिया कंपनी का, सीईओ, प्रेसिडेंट, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट छोड़ दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का सीईओ छोड़ दिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर छोड़ दिया, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर छोड़ दिया। ये लोग सब किस में आते हैं बेटा? टॉप लेवल में आता है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो डिसीजन लेते हैं, ये लोग सब किस में है? टॉप टॉप लेवल में जो डिसीजन लेते हैं। शिवम, मैनेजर तो कंपनी का इंप्लॉई है। जानवी, अगर किसी कंपनी में मैनेजर है, रश्मि मैनेजर है ना, वो लोग कंपनी के लिए काम करे, वो लोग भी इंप्लॉई है। फर्क ये है उन लोगों का पोस्ट मजदूर से थोड़ा ज्यादा है। मजदूर को वेजेस मिलेगा, उन लोगों को सैलरी मिलेगा। है तो कंपनी के मजदूर ही, वो अच्छे मजदूर है, स्किल्ड मजदूर है। मैनेजर्स ऑलवेज कम अंडर मिडल लेवल। विच लेवल? तो मिडल लेवल में सुनो ध्यान से, मैं 6 मैनेजर का नाम लूंगा। कितना मैनेजर? मैं एक बार बोलूंगा और जिसको नाम याद हो जाए वो रिपीट करेगा, कोई एक जन। मैं लिखूंगा नहीं रिपीट, वरना कैसे करेगा। परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर बोल सकता है। चलो बोलो क्या क्या बोला। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनेजर। देखो ये जितने मैनेजर है सब कंपनी के इंप्लॉई है। पहला परचेज मैनेजर, दूसरा सेल्स मैनेजर, तीसरा चलो प्रोडक्शन मैनेजर, चौथा एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजर, नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजर, यस और नो? तो ये सब जितने मैनेजर्स हैं ये सब कंपनी के कौन से लेवल में आते हैं बेटा? मिडल लेवल में आते हैं। और कौन सा लेवल बच गया? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? लोअर लेवल में बेचारा गरीब आदमी, इंप्लॉइज, क्लर्क हो गया। नहीं वो तो कंपनी के अंदर नहीं है ना, सिर्फ अंदर वाले ले रहे हैं हम लोग। क्लर्क हो गया, इंप्लॉइज हो गया। अच्छा सुपरवाइजर कौन है पता है? जो इंप्लॉइज पे नजर रख रहा है, वो भी है तो लोअर में ही, बट इंप्लॉइज के थोड़ा ऊपर, मगर लोअर में ही आएगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को एक नाम से और बोलते हैं बेटा, फोरमैन। क्या नाम है? तो ये लोग जितने लोग है ना, सुपरिंटेंडेंट, इंप्लॉई, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब सारे किस लेवल में आते हैं बेटा? लोअर लेवल में आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? तो अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो तीनों लेवल है ये इतने आदमी लोग रहते हैं तभी तो ग्रुप एक्टिविटी है। आज अगर टॉप लेवल को किसी को बताना होगा तो वो पहले मिडल को बताएगा, डायरेक्ट लोअर को बता देगा। टॉप लेवल वाला मिडल को इंस्ट्रक्शन देता है, मिडल वाला किसको इंस्ट्रक्शन देता है? एयरलाइंस कंपनी चलती है, तुमको लगता है मुकेश अंबानी जाके डेली अपने मजदूर से मिलता है? मुकेश अंबानी अपना मैनेजर से मिलता है, मैनेजर उसके लेवल पे मिलता है, उसके नीचे भी दो लोग होते हैं, फिर जाके इंप्लॉइज होते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये चेन फॉलो करना पड़ता है, चेन को हायरकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल, मिडल लेवल, लोअर। ये हायरकी जनरली टूट नहीं सकता है, वरना तो रोज मजदूर किसके पास चला जाएगा? टॉप लेवल के पास, मुकेश अंबानी के पास होगा थोड़ी। समझा मेरा बात? तो ये हायरकी, देखो एक डायग्राम आई थी इसमें होगा, मैंने बनाया, हालांकि स्टिल दे विल, ये रहा देखो सी, टॉप लेवल दिखा, ये फर्स्ट लेवल, मतलब ये समझ गया कौन लोअर लेवल है ना। देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट है ना, और डिपार्टमेंटल, स्कूल में से स्कूल का डीन हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे स्कूल में जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी तो इम्प्लॉई है, स्कूल वो थोड़ी बनाया है, स्कूल ट्रस्टी बनाया है। ट्रस्टी टॉप लेवल में होगा, जैसे जैन विद्यालय कौन बनाया? कांकरिया, तो वो टॉप लेवल पे है। तुम्हारे स्कूल का कौन है ट्रस्टी? मेरे को नहीं पता, सरला बिरला, तो वो टॉप लेवल में है। तुम्हारा इम्प्लॉई जो है वो उसका प्रिंसिपल वो मिडल में है। समझ रहे मेरे बात? उसके स्कूल में जो घंटी वंटी बजाती है यस और नो, वो सब किस लेवल में आ गए? लोअर लेवल में आ गए। समझा? डिपार्टमेंटल हेड, मैनेजर, मैनेजर सारे किस में बोला मैंने? मिडल में। और फर्स्ट लेवल में क्या बोला मैंने? सुपरवाइजर, फोरमैन, मैंने बोला ना सब, ये सब सारे जो ऑफिस को मैनेज कर रहा है, नॉर्मल मैनेजर नहीं, मतलब छोटा मैनेजर है, वो किस में आ गया बेटा? लोअर लेवल में, फर्स्ट लेवल में आ गया। समझा मेरा बात? इसका जरूरत अभी नहीं है मेरे को। क्लियर हो गया? तो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी और ग्रुप एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज इसमें कितने लेवल है बेटा? 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज सुनो, क्या लिखा हुआ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मिला यहाँ पे ये रहा। तीन चीजों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, कितने चीजों को, तीन चीजों को, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या बोला मैंने, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। वर्क मतलब क्या हो गया, डे टू डे वर्क, पीपल तुम लोगों को पता है, बस जब भी मैं पीपल बोलूंगा इंप्लॉइज होगा हमेशा इस चैप्टर में। और ऑपरेशंस मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेस। तो ये तीनों को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल है। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने समझा दिया। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन करने से हो जाएगा क्या, नहीं। ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल फोर्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है, चलो डायनामिक क्या होता है बताओ मेरे को, जो चेंज होना पड़ेगा। डायनामिक ऑपोजिट क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक, जो रुका हुआ है। तुमको क्या लगता है, अगर एक कंपनी जिंदगी भर एक ही प्रोसेस यूज करेगा, चल पाएगा वो, नहीं चल पाएगा। उसको आए दिन क्या करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना। मैनेजर हैज टू बी डायनामिक, अगर वो डायनामिक नहीं रहा, जिंदगी भर एक ही प्रोसेस यूज किया, मतलब समझो वो बहुत जल्दी बिजनेस से क्या होने वाला है, आउटविट होने वाला है, बाहर होने वाला है। तो मैनेजर हैज टू बी डायनामिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कितना के बार रिवाइज करते। सुनो पहले मैनेजमेंट को ब्रेक करके बताओ जानवी, मैनेजमेंट बस। टी का मतलब क्या था, टैक्टफुल्ली, टैक्टफुल्ली, फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फोर्ड, फादर ऑफ फ्यूल, फ्यूल फ्यूल लगेगा ना उसमें, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है ना, वो टेलर गाना वाला टेलर नहीं तुम्हारा, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को रश्मि बताओ फटाफट, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, अर्चना कब यूज करके, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। हाँ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। टॉप लेवल में पांच जन बताओ प्लीज। सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और शेयरहोल्डर्स ओनर हो गए, और और सीएफओ, सीएमओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर, है ना। छह का छह मैनेजर का नाम बताओ मिडल में। सेल्स मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर, और कौन सा छूट गया बोलो, मार्केटिंग मैनेजर, है ना, समझा। टोटल पांच पॉइंट था। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग। अरे यार तुम एक चीज समझो, मान लो तुम अगर कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, क्या बोला मैंने, तुमको क्या फायदा मिलेगा, लालची हो तुम लोग सब, ठीक है चलो। कोई नहीं बोला सर मेरा ग्रोथ होगा, काम सीखूंगा, सब लालची है, ठीक है चलो। सैलरी मिलेगा ज्यादा, वेजेस मिलेगा ज्यादा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये हो ना बात, स्किल्स बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, तुम्हारा फायदा। कंपनी का क्या फायदा, कंपनी का खाली एक ही फायदा है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, ये सुन लो। कंपनी हमेशा क्या करता है, अपने इंप्लॉयज को चूस लेता है, क्या कर लेता है उनको, 8 घंटे की जगह 10 घंटा, 12 घंटा काम कराएगा। कितना घंटा काम, ओवर टाइम करो, हाँ एक्सप्लोइटेशन करता है, यस और नो। बट कंपनी को अपना क्या चाहिए बेटा, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, यस और नो। तो मैनेजमेंट देखो क्या लिखा, क्रिएट्स टीम, टीम बनाता है एंड कोऑर्डिनेट विद इंडिविजुअल, ताकि इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाए। और इंडिविजुअल गोल मतलब तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा प्रमोशन, और कंपनी का गोल मतलब कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट क्या बेटा, जितना अच्छा मैनेजमेंट कॉस्ट उतना कम, जितना अच्छा मैनेजमेंट कॉस्ट उतना कॉस्ट कम, तो प्रॉफिट ज्यादा। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट कम
प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रॉफिट अपने आप ज्यादा। इसका मतलब सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स हो, यस और नो? मैक्सिमम और ऑप्टिमम में फर्क होता है, मैक्सिमम और ऑप्टिमम में फर्क होता है। ऑप्टिमम मतलब ये होता है जितना अच्छा से किया जा सके, यस और नो? मैक्सिमम और ऑप्टिमम में फर्क होता है। एक चीज समझो, मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, मैं चाहूं, मैं एज अ टीचर हूं, मैं अगर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स से बैठूं 100 में 100 ला सकता हूं, तो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल हुआ। यार कुछ दिन बहुत बीमार हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस दिन मैं मैक्सिमम पोटेंशियल में तो काम नहीं कर सकता, मगर जितना लेवल है मेरा उसमें तो अच्छा करूं, उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होना चाहिए तुम्हारा, मैक्सिमम हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा बिजनेस खुद को चेंज, मैनेजमेंट अगर खराब होगा जिंदगी भर सेम रहेगा, सेम रहेगा तो कस्टमर्स खुश नहीं होगा, यस और नो? तो मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक बनाता है। क्या बनाता है? अब इस देखो, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, मेरे को क्या बुक खोल के पढ़ाना पड़ रहा है? नहीं, टाइम बच रहा है सबसे पहला बात है, मार्किंग यहाँ पे है, मैंने बोला था पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का होगा आज, तो समय बचेगा, डायनामिक है ना। और सिर्फ अब तो भैया दुनिया में यही चल रहा है, 100 में से 90 टीचर ऐसे ही पढ़ा रहा है, यू हैव टू बी डायनामिक, यस और नो? यू हैव टू बी। तो कंपनीज अगर डायनामिक नहीं रहेगा तुम सोचो उनका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो यू हैव टू बी डायनामिक, स्टैटिक रहने से नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अचीविंग पर्सनल, मतलब सुनो कंपनी का पर्सनल नहीं, यहाँ पे इम्प्लॉइज का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? इम्प्लॉइज का। इम्प्लॉइज का गोल कैसे अचीव होगा? जब कंपनी उनको मोटिवेट करेगा। क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, उनका लीडर बन के काम करेगा। क्या करेगा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैनेजर और लीडर में फर्क होता है। क्या बोला मैंने? मैनेजर और लीडर में हमेशा फर्क होता है। लीडर्स कभी पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनते हैं, यस और नो? लीडर्स आर नॉट ऑलवेज बॉर्न, दे हैव टू बी, दे हैव टू क्रिएट फॉलोवर्स टू बी अ लीडर ऑफ 1000 पीपल, राइट? तो मैनेजर्स भी लीडर बन सकते हैं ना। अगर एक आदमी 100 को आगे लेके चल रहा है तो उस समय मैनेजर वो क्या बन गया? लीडर बन गया। उनको अच्छा से मोटिवेट कर रहा है तो वो लोग उसी को फॉलो करेंगे, तो मैनेजर कैन बी अ लीडर, राइट? यस और नो? तुम लोग देखा होगा बहुत सारा मूवी में, मेरे को नहीं पता, अनिल कपूर जानता है, वो यूनियन का नेता रहता है, वेजेस वेजेस बढ़ाने में मदद करता है, यस और नो? तो इन दैट केस ही इज अ यूनियन लीडर एंड एट द सेम टाइम ही इज मैनेजिंग हिज को वर्कर्स ऑल्सो, तो मैनेजर भी और लीडर भी है। तो मोटिवेट करना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, तब जाके इंडिविजुअल जो है वो खुश होंगे, उनका गोल अचीव होगा। एंड लास्ट पॉइंट बेटा क्या है? कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनीज नहीं होता तुमको अपना प्रोडक्ट मिलता, तुम्हारा ब्रांडेड प्रोडक्ट तुमको मिलता नहीं मिलता, यस और नो? तो बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक बिजनेस बड़ा है वो खुद तो काम कर रहा है, हजारों लोगों को भी काम प्रोवाइड कर रहा है, यस और नो? न्यू टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, तो इन कंपनीज जो है वो दूसरे लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बाय गिविंग विच अपॉर्चुनिटीज बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 इंपॉर्टेंस हुआ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब देख रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कितना? 3 देख के बोला, ठीक है, समझा मेरा बात? ये ध्यान रख लेना। अब सुनना ध्यान से, आज का एक लास्ट पार्ट, हो सकता है 2 पार्ट भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या मैनेजमेंट एक आर्ट है? कैसे पता? आर्ट तो मैंने बोल ही दिया, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बट मेरा यहाँ पे पार्ट क्या, मैनेजमेंट क्या साइंस है? सुनो ध्यान से, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस जिसपे एक्सपेरिमेंट्स होता है, जिसमें प्रिंसिपल बेस्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अगर साइंस के जो फीचर्स है वो अगर मैनेजमेंट में मिल जाएंगे तो मैनेजमेंट साइंस बन जाएगा, अगर साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं मिलेंगे मैनेजमेंट साइंस नहीं बनेगा, साइंस के कुछ फीचर्स अगर मैनेजमेंट मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे तो मैनेजर इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस बनेगा। नहीं समझा? अगर मैनेजमेंट के सारे फीचर्स और साइंस के फीचर्स मिल जाते हैं मैनेजमेंट साइंस है, साइंस के फीचर मैनेजमेंट के फीचर अगर मेल नहीं खाते हैं तो मैनेजमेंट साइंस, साइंस के कुछ फीचर्स मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स से मेल खाते हैं तो मैनेजमेंट साइंस तो है, मगर इन एग्जैक्ट साइंस है पूरा पूरी साइंस। तो एक बार पहले पढ़ते सुनो ध्यान से, साइंस के फीचर्स क्या है? साइंस इज अ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस मीनिंग? क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ, मैनेजमेंट एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ है,
मैनेजमेंट के लोगों को कोर्सेज करने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है। कॉज एंड इफेक्ट मैनेजमेंट है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होगा, सुनो ध्यान से। कॉज एंड इफेक्ट मतलब हो गया मेरा कंपनी का 4 दिन मजदूर लोग नहीं आया, कितना दिन, प्रोडक्शन कम हो गया। कॉज क्या, इफेक्ट क्या है, कॉज है तो मैनेजमेंट बता रहे हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, सेल कम हो गया, तो मैनेजमेंट इज टेलिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। साइंस भी तो यही बताता है, साइंस भी तो क्या बताता है, यही बताता है कि यार तुम मान लो तेरे शरीर में इस विटामिन का कमी था जिसके कारण ये बीमारी हो गया, तो कॉज क्या है, विटामिन का कमी जिसके कारण बीमारी जो है वो तुम्हारा इफेक्ट है। साइंस का ये फीचर, साइंस भी कॉज एंड इफेक्ट है, मैनेजमेंट भी, तो ये फीचर मेल खाता है। ठीक है सर, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट भी है। अरे भैया हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चल ये काम तुम नहीं कर, तुम करके देख तो कौन अच्छा करता है। तो मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, और साइंस तो होता ही है, साइंस में तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, चाहे तुम बायोलॉजी ले लो, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स होता है। तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, और वो तुम्हारा मैनेजमेंट भी, वो भी किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों पॉइंट किस पे कॉमन है बेटा, मैनेजमेंट और साइंस में। लेकिन अब थर्ड पॉइंट सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सली वैलिड। क्या बोला मैंने, साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है। ग्रेविटी का लॉ क्या बोलता है, साइंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो क्या ग्रेविटी का लॉ, जंप करेगा तो नीचे आएगा ना वापस, यही तो है ग्रेविटी, कि धरती सब चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। इंडिया में लॉ काम करता है, अमेरिका में काम करेगा, गया अमेरिका पता है क्या, बट कॉमन सेंस तो, क्या अमेरिका में काम करेगा, हाँ जापान में काम करेगा, चाइना में काम करेगा, अच्छा और भी, न्यूटन का थर्ड लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज एन, ये इसको थप्पड़ मारेगी तो दो मुक्का मारेगी। साइंस का प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड, बट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल हो, कुछ प्रिंसिपल कहीं लगा। अच्छा मुकेश अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस है, उसका ज्यादा प्रिंसिपल लगता होगा, एक छोटा सा पान दुकान या तुम्हारा कोई मोदी खाना की दुकान में सारा प्रिंसिपल्स लगता होगा, नहीं यार, तो प्रिंसिपल्स वेरी करता है, एक जगह जितना लग रहा है दूसरा जगह उतना नहीं लगेगा। साइंस का प्रिंसिपल हर जगह सेम लागू है, हर जगह लागू है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, तो ये पॉइंट उतना मिलता जुलता नहीं है मैनेजमेंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। तो देखो क्या बोला, मैनेजमेंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने बोला था उसका प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है, बट उसके बाद, लेकिन सुनो ध्यान से, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो मॉडिफाई करने पड़ते हैं, मैंने बोला ना ये प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल वैलिड, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, मेरे को कोई टेस्ट लेने का जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूंगा, जिस दिन देख रहा हूँ तुम लोग अच्छा नहीं पढ़ रहा है क्या करूंगा, तो वेरीफाई करना, मॉडिफाई करना पड़ रहा है, तो मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, साइंस में ऐसा नहीं है। तो इस देखो क्या लिखा है, तो एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड एज एन, इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं, या फिर बेटा सोशल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के सारे फीचर्स बेटा साइंस से मेल नहीं खाते हैं, कुछ खा रहे और कुछ नहीं खा, इसलिए मैनेजमेंट को पूरा पूरी साइंस, प्योर साइंस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सोशल साइंस, या फिर सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब देखो हमको याद है, तुमको भी होना चाहिए, हमको बुक खोल के थोड़ी बैठा है, एक बार पढ़ा दिया अब तुमको अगली बार याद रहे, सर ने और 2-3 नाम बता दिया, सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस, या फिर इनएग्जैक्ट। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास में, सोशल साइंस यहाँ पे लिखा अब ये रहा, एक मैंने और लिख दिया, कौन सा साइंस बेटा? सॉफ्ट साइंस। अगर आपने बुक खोलेगा बुक में मिल जाएगा तुमको, ठीक है, सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस, या व्हाई? बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन द, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड। एंड नाउ बस लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं? पीयूष तो गेट बंद कर दो 5 मिनट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट मिलेंगे, अगर आर्ट के फीचर्स साइंस है, आर्ट है, अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में आर्ट नहीं है, आर्ट के कुछ फीचर्स अगर मैनेजमेंट मिलेंगे इन एग्जैक्ट आर्ट हो जाएगा, तो पहले चेक तो करते हैं। सुनो, आर्ट का पहला फीचर क्या है? क्या डांस एक आर्ट है? गाना एक आर्ट है? सिंगिंग, सिंगिंग में 7 सुर सीखना पड़ता है, सारे गामा, थ्योरेटिकल नॉलेज का जरूरत है। क्रिकेट एक आर्ट है?
तो उसमें जब तक तुमको नहीं पता चलेगा बेटा नो बॉल क्या होता है, वाइड क्या होता है, फ्री हिट क्या होता है, हर आर्ट में थ्योरिटिकल नॉलेज का जरूरत होता है। मैनेजमेंट पूरी तो 5 मिनट धीरे बोल। ठीक है खाली 5 मिनट। अच्छा आर्ट का पहला फीचर है थ्योरिटिकल नॉलेज। आर्ट में क्रिकेट का मैंने एग्जांपल बोला, क्रिकेट में जरूरत है थ्योरी का, प्रैक्टिकल तो जरूरत है ही है, बिकॉज आर्ट इज 90% प्रैक्टिकल, 10% मैनेजर्स में भी तो थ्योरिटिकल का जरूरत है। तुमको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा तो भैया प्रैक्टिकल फील्ड में तुम बाद में उतरेगा, पहले तुमको क्या नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह क्रैक करेगा तुमसे पूछेगा बताओ ये सब क्या होता है, तो मैनेजमेंट में भी थ्योरिटिकल नॉलेज का जरूरत। ये पॉइंट मिला दोनों में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सर व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हो बेटा, पर्सन टू पर्सन आर्ट वेरी करता है। आज मान लो क्रिकेट शिवम और पीयूष दोनों खेलता है, बट क्या दोनों एक जैसा खेलेगा, कोई अच्छा खेलेगा कोई कम अच्छा खेलेगा कोई ज्यादा अच्छा खेलेगा, ये दोनों डांस करती है कोई ज्यादा अच्छा करेगा कोई कम करेगा, ये दोनों गाना गाती है कोई ज्यादा अच्छा गाएगी कोई कम अच्छा गाएगी, आर्ट वेरीज फ्रॉम, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, अगर सेम होता तो हर कोई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर होता ना, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज्यादा दिल में ले लिया, ठीक है। अच्छा क्या हर मैनेजमेंट का फील्ड एक जैसा होता है, हर मैनेजर एक जैसा होता है, सबका अपना अपना पर्सनलाइज्ड नेचर होता है, तो ये पॉइंट भी मिल रहा है, बिकॉज मैनेजर्स भी तो अपने अपने फील्ड में है, कोई सेल मैनेजर है, कोई परचेस मैनेजर है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, कोई तुम्हारा फाइनेंस मैनेजर, सब तो मैनेजर अलग अलग है यार, है तो मैनेजर मगर फील्ड अलग अलग है। यस और नो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डांस म्यूजिक आर्ट है, प्रैक्टिस चाहिए, 10 साल डांस मत करो भूल जाएगा, या उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, गाना मत गाओ रियाज मत करो भूल जाएगा, आर्ट में यू रिक्वायर प्रैक्टिस, यू रिक्वायर क्रिएटिविटी। क्या बोला मैंने, क्या मैनेजमेंट में मैनेजर्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है, तो यस ये फीचर भी मैनेजमेंट का मिल रहा है, तो क्या मैनेजमेंट के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या आधा अधूरा आर्ट है, क्या पूरा पूरी आर्ट है, तो मैनेजमेंट जो बेटा पूरा पूरी आर्ट है, प्योर आर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो एग्जाम में अगर आएगा सुनो मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस बोथ, क्या लिखेगा, बोथ लिखना क्योंकि साइंस थोड़ा है ना, बट मैनेजमेंट ज्यादा क्या, अगर ऐसा पूछ लिया तो आर्ट है, फुल्ली रिजेंबल आर्ट, फुल्ली रिजेंबल किसको करता है दोनों, अगर फुल्ली का पूछा जाए तो आर्ट लिखना है, आधा दूरा पूछा जाए तो साइंस लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझा मेरा बात, अपने 5 मिनट का पावर पैक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, सुनो एक एक करके। सबसे पहले मैनेजमेंट में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ब्रेकअप करो, ब्रेकअप नहीं ब्रेक करो, मैनेजमेंट और टी मैनेजमेंट नॉट टैक्टफुली, क्यों सबका ब्रेकअप कराया भाई। अच्छा उसके बाद मैंने बोला मैनेजमेंट का डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू अचीव व्हिच ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीन था, ग्रोथ प्रॉफिट सर्वाइवल। मैंने बोला लाइन से बोलोगे तो पहले सर्वाइवल बोलो फिर प्रॉफिट बोलो फिर ग्रोथ बोलो। इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग द टास्क ऑन टाइम, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन, एफिशिएंसी मतलब मिनिमम यूटिलाइजेशन या बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद हम लोग बोले सर तीन लेवल होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मिडिल लेवल और टॉप लेवल में प्रेसिडेंट सीईओ सीएफओ सीएमओ वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल, मिडिल में सारे के सारे मैनेजर्स एंड लोअर में एम्प्लॉय फोरमैन सुपरवाइजर क्लर्क ये सब आ गए। मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का बात की थे, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, इंटेंजिबल फोर्स है, गोल ओरिएंटेड है। अच्छा मैंने मल्टी डायमेंशनल में तीन पॉइंट बोला था, तीन चीज को मैनेज करता है वो लोग, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, डायनेमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, तुम लोग पढ़ने दिया था तुम लोग को, तीन पॉइंट, एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सर क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो साइंस के कुछ फीचर्स, सबसे पहला साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी। शुरुआत का तो दोनों मेल खा रहा है, मगर यूनिवर्सल वैलिड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं, इसलिए मैनेजमेंट साइंस तो है मगर सॉफ्ट साइंस भी बोल सकते हैं या फिर सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। आर्ट, आर्ट के फीचर्स क्या है, सबसे पहला आर्ट का फीचर है इट इज बिहेवियर थ्योरेटिकल नॉलेज, नंबर टू वो तो थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था,
प्रैक्टिस एंड क्रिटिस थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यस और नो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मेरे को याद है यार, पर्सनलाइज्ड। थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी के सारे फीचर्स मिलते हैं। हाँ तो मैनेजमेंट आर्ट है, रिजेंबल्स पूरा पूरी आर्ट, बट साइंस भी है, आर्ट भी है, साइंस थोड़ा है और आर्ट पूरा पूरी। समझा मेरा बात? ये मैं भेज दूंगा तुम लोग को, तुम लोग देख लेना, आज ही भेज दूंगा, ठीक है।